नमस्ते प्यारे बच्चों, ज्ञानोदय यूट्यूब चैनल पर आज हम करेंगे हिंदी रिमझिम पुस्तक 3 से पाठ कहानी की कहानी। कहानी सुनने में हम सबको मज़ा आता है। तुम्हें घर पर कौन कहानी सुनाता है बच्चों, और किसकी कहानियाँ सबसे अच्छी लगती हैं? दादा की सुनाई हुई या दादी माँ की या आपकी अध्यापिका की या मम्मी पापा की? बताओ, किसकी कहानी आपको सबसे अच्छी लगती है, किसके सुनाने का तरीका सबसे मज़ेदार है, ये भी आपको अपने अध्यापिका को बताना है। ठीक है बच्चों, बहुत पुरानी बात है, तब भी लोग कहानियाँ सुनते और सुनाते थे। राजा रानी की कहानी, परियों की कहानी, शेर और गीदड़ की कहानी। माँ बाप, बच्चे, दादी, नानी को घेर कर बैठ जाते और बार बार अपनी मनपसंद कहानी सुनते। बड़े होने पर वे बच्चे अपने बच्चों को कहानी सुनाते, फिर बड़े होकर बच्चे आगे अपने बच्चों को वही कहानियाँ सुनाते। इसी तरह कहानियों का यह सिलसिला आगे बढ़ता, उनके बच्चों के बच्चे, फिर उनके बच्चों के बच्चे उन कहानियों का मज़ा लेते जाते। सुनने सुनाने से ही कहानियाँ आज हम तक पहुँची हैं। कहानी सुनाने के कई अलग तरीके थे। कोई आवाज़ बदल कर कहानी सुनाता, कोई आंखें मटका कर, कोई हाथ के इशारों से बात आगे बढ़ाता, कोई गाकर और नाचकर भी कहानी को सजाता। आज भी कई लोग पुरानी कहानियों को नाच गाकर सुनाते हैं। पंचतंत्र की कहानियाँ सालों से लोग सुनते सुनाते चले आ रहे थे। फिर लोगों ने सोचा, क्यों ना हम इन कहानियों को लिख कर रख लें, इस तरह ये भूलेंगे भी नहीं और संभाल के भी रखी जा सकती हैं। ऐसी कई कहानियों को एक साथ पोथी में लिखा, पोथी का नाम रखा पंचतंत्र। बच्चों, पोथी का मतलब है पुस्तक या किताब। पर बच्चों, क्या आपने सोचा कि उस समय तो ना लोगों के पास कागज़ थे और ना ही किताबें, फिर उन्होंने इतनी कहानियों को कैसे लिखा होगा? उस जमाने में लोग पत्तों पर या पत्थरों पर लिखते थे, पेड़ की छाल का भी वो इस्तेमाल लिखने के लिए करते थे। खजूर के बड़े पत्ते देखे हैं? ये देखो बेटा, खजूर का पेड़। इनके पत्तों को वो छाया में सुखा लेते थे, तेल से उनको नरम बनाकर फिर उन पर कहानी लिखते। पर सोचो, लिखते किससे, क्योंकि ना तो उस वक्त पेन था ना ही पेंसिल, फिर वो कैसे लिखते? वो इस्तेमाल करते थे पक्षियों के पंख का कलम के रूप में, और बांस के टुकड़ों को आगे से नुकीला करके उनकी कलम बनाकर उनसे लिखते थे। शाही भी खुद घर पर ही बनाते थे, फूलों से, पत्तियों से। बच्चों, क्या आपने कभी कोशिश की है? कोशिश करना बच्चों, फूलों से और पत्तियों से शाही बनाने की। पंचतंत्र की ये कहानियाँ कई सौ साल पहले लिखी गई थी। दुनिया भर में ये कहानियाँ पसंद की जाती थी। कई लोगों ने अपनी अपनी भाषा में इन कहानियों को अनुवाद किया, जैसे उड़िया, बंगाली, मराठी, मलयालम और कन्नड़। यहाँ पंचतंत्र की कहानी की एक पंक्ति लाइन दी गई है। कहानी का नाम है सिंह शृगाल कथा। सिंह मतलब शेर और शृगाल मतलब गीदड़, यानी शेर और गीदड़ की कहानी। सबसे ऊपर वाली पंक्ति संस्कृत भाषा में लिखी है, दूसरी पंक्ति हिंदी भाषा की है, तीसरी पंक्ति उड़िया भाषा में है, चौथी पंक्ति बांग्ला भाषा में है और अंतिम पंक्ति मलयालम भाषा की है। अब बताओ बच्चों, तुम इनमें से कौन सी भाषा पहचान पाए? दूसरी पंक्ति की भाषा तो आपने आसानी से पहचान ली होगी, क्योंकि वो हिंदी है ना। बच्चों बताओ, क्या आसपास आपने कोई पुरानी पोथी देखी है? नहीं देखी, कोई बात नहीं, लेकिन बेटा, जिनके पास भी ये पुरानी पोथियां हैं उन्हें उसे संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि लोगों ने बहुत मेहनत से इन्हें लिखा था। इनमें कहानियाँ संजो कर बचा कर रखी थी। ये कहानियाँ हम आज भी सुनते और पढ़ते हैं। इन्हें तुम अपने बच्चों को भी सुनाओगे और पढ़ाओगे, और इन्हें तुम्हारे बच्चों के बच्चे भी पढ़ेंगे। बताओ बच्चों, पढ़ेंगे ना? तो बच्चों,
कैसा लगा आपको कहानी का सफ़र? ये सफ़र आप अपने घर पर अपने माता पिता को भी सुनाना, ठीक है बच्चों?